अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द चैनल। आज मैं सुबह आया हूँ, आपको ये देखें फॉकन है, और लाहौर में आज बहुत सर्दी पड़ी है, और ये अगर आप देखें तो ये फॉग नज़र ही कुछ नहीं आ रहा। तो आज मैंने ये सोचा कि पार्क का ना पूरा एक राउंड करूँगा जॉगिंग ट्रैक का, और साथ साथ आपसे शेयर करता हूँ कि यहाँ पर किस तरह का मौसम है इस वक्त, और वॉक करते हुए क्या फीलिंग है। सुबह सुबह ठंडी हवा है और फॉग बहुत है, तो आए एंजॉय करते हैं इस वॉक को ट्रैक पे। तो चलें सामने, अभी आप सामने देखें तो थोड़ी दूर तक ही नज़र आ रहा है और नहीं आ रहा, बिल्कुल साइडों में ना फॉग ही फॉग है और सर्दी बहुत है। तो वॉक करते जाएंगे पार्क का ना, एक पूरा एक चक्कर लगाते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं कि इस वक्त जो सर्दी पड़ी है उसमें क्या मज़ा है। सुबह सुबह की वॉक वैसे ही बहुत अच्छी होती है, और आज फॉग है तो फॉग से ज़रा ना इंटरेस्टिंग हो गया थोड़ा। तो बाहर तो रोड्स पे काफ़ी ट्रैफिक है, और यहाँ पे ना उधर भी फॉग है, लेकिन पार्क में कुछ ज़्यादा हो है। सर्दी सुबह बहुत है और विंटर का रात है, कभी स्मॉग भी आ जाती है, लेकिन ये जो है ना ये फॉग है। और हम चलते जाएंगे, इसको एंजॉय करेंगे, आपके साथ ही हैं, शेयर करते हैं। वॉक वैसे ही बहुत ज़रूरी है, करना हर बंदे को करनी चाहिए, लेकिन करते कम है। अगर सारे लोग करें तो यहाँ पे जगह ना मिले हमें वॉक करने की, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। उमूमन हमें वहीं पे रश मिलता है जहाँ पे टिकट होती है, जहाँ पे फ्री होता है वहाँ पे हमें रश नहीं मिलता। ये ह्यूमन साइकी ऐसे ही है, लेकिन वॉक सबको करनी चाहिए। आप मेरे साथ में देखें, सारा पार्क ही खाली है, अभी तक तो कोई नहीं ख़ास मिला वॉक के लिए। तो आगे हम चलते हैं, हल्की हल्की ना ऊपर से पत्तों पे फॉग के कतरे भी ना मेरे मुंह पे गिर रहे हैं। और यहाँ पे आप देखें ये बास्केटबॉल कोर्ट है सारा, ये भी फॉक से भरा हुआ है, और यहाँ पे सफाई का काम हो रहा है साथ साथ। ये ट्रैक बड़ा खूबसूरत बना हुआ है, और यहाँ पे ऊपर लंबे लंबे ना ऊपर देखें आप अगर, तो ये सफ़ेदे के दरख्त हैं। और ये फीलिंग जो आ रही है ना वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी आ रही है, कि एक जिस तरह एक बहुत ही फॉरेस्ट पार्क में वॉक कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग इसका ये जॉगिंग ट्रैक है। मेरे साइड पे ना यहाँ पे बास्केटबॉल कोर्ट है, सुबह का टाइम है अभी तो कोई भी नहीं यहाँ पे खेल रहा, लेकिन वॉक का जो है ना इस टाइम का अपना मज़ा है। चलते ही जाएंगे, सारा बाग खाली है, सर्दी बहुत है, सुबह सुबह उठ के आके वॉक करना भी एक काम है, इसी बहुत पॉसिबल है अगर आपको आदत पड़ जाए सुबह तो फिर ही वॉक हो सकती है, वरना हर काम ना इस तरह मुश्किल लगता है। अभी हर तरफ जाना है फॉग है, बहुत ही एक खूबसूरत सा व्यू आ रहा है। ये देखिए आप सारे, खामोशी बड़ी है, ये बड़ा फायदा। मौसम ऐसे वॉक करना मज़ा बहुत आ रहा है, क्योंकि ये जो इस वक्त जो एटमॉस्फेयर बना हुआ ना वो हर चीज़ को बड़ा इंटरेस्टिंग कर रहा है। बाकी आप देख सकते हैं परिंदों की आवाज़ भी आ रही है, एक कौओं की भी आ रही है, और ये भी देखिए सारा खाली, हर तरफ से खाली है सारा, उसमें फॉग ही फॉग है सारी। तो थोड़ी दूर तक ही बस नज़र आ रहा है, उससे आगे नहीं आ रहा नज़र, बिल्कुल नहीं नज़र आ रहा। पार्क तक आना भी ना एक मुश्किल हुआ था, वो रास्ते में भी बहुत फॉग है। अब देखें ये सारा एक्सरसाइज के लिए बना हुआ है, शाम को इस पर भी आके करते हैं एक्सरसाइज। अभी तो सिर्फ आज वॉक का ही है, आपके साथ ये कंप्लीट एक्सपीरियंस शेयर करना है। वॉक सबको ही करनी चाहिए, बहुत ही हेल्दी एक्टिविटी है,
जो बगैर किसी एक्सपेंस के हो जाती है, और इसका फ़ायदा ही है, नुकसान कुछ नहीं है। सर्दियों में तो ज़्यादा ही मज़ा आता है वॉक का, बस थोड़ी दूर तक ही यहाँ पे मज़ा आता है। ऐसे ऐसे हम चलते जाते हैं, विजिबिलिटी जो है ना वो ज़रा कम है, बहुत कम है। मुझे नहीं आइडिया कि अभी कैमरा इसको किस तरह आपको सही दिखा रहा है उसमें, लेकिन इस वक्त मैं आपको साथ साथ बता भी रहा हूँ, दूर तक कुछ नज़र नहीं आ रहा। अब देख तो मैं अकेला ही यहाँ पे वॉक कर रहा हूँ, लेकिन मज़ा आ रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग है इस तरह सुबह सुबह फॉग में वॉक करना सर्दी में। ये देखें बच्चों के, ये सारे जो है इनके भी खेलने के प्ले एरिया बना हुआ है, ये भी सारा जो है ना फॉग में ही है। आगे चलते हैं, ये आप देख सकते हैं सारा। अभी हम ट्रैक पे ही हैं इस वक्त और वॉक करते जा रहे हैं। जब यहाँ पे सुबह स्मॉग आ जाती है ना, तो जो फ्रेशनेस है ना हवा में वो ख़त्म हो जाती है। तो सुबह भी आप वॉक करें ना तो आपको फील नहीं आती कि एक सुबह की ताज़ी हवा जो है ना वो फ्रेश एयर आपके अंदर जा रही है। तो वो जो आज जो है ना वो कम से कम वो वाला फील नहीं आ रही, क्योंकि फ्रेश है सारा और स्मॉग नहीं है, जैसे फॉग है। तो सुबह की जो होती है ना फ्रेश एयर वो भी साथ आया है, और एक प्रेजेंट जो है ना वो फील हो रहा है ऑल टुगेदर। क्योंकि अगर ऐसे ना हो ना तो आंखें भी स्मॉग में रेड होने लग जाती हैं, गला भी मसला हो जाता है, और वो फील हो यही आती है कि एक अनहेल्दी सी वो जा रही है हवा अंदर। लेकिन अभी जो है ना वो बहुत फ्रेश फील हो रहा है। और सुबह सुबह की जो मॉर्निंग वॉक है ना, उसका जो मेन यही होता है कि हमारे अंदर ना फील एक जो है ना फ्रेश हवा है, फ्रेश सारा कुछ है। कि आजकल इतनी पोल्यूशन है तो उसकी वजह से यही है कि सुबह सुबह अगर वॉक की जाए तो वो अच्छी है, लेकिन स्मॉग जो है ना वो उसको भी ख़त्म कर देती है, उसमें ना फ्रेश एयर आती नहीं है, फील ही नहीं होती। तो जब स्मॉग नहीं है तो फिर जो है ना ये बड़ा अच्छा हो जाता है। आज ऐसे ही है और इसको काफ़ी इन्जॉय कर रहा हूँ, और बिल्कुल ही अकेला वॉक कर रहा हूँ। तो एक और मज़ा आ रहा है कि ज़रा खामोशी भी है थोड़ी, और परिंदों की जो चहचहाट है वो फील वो आ रही है कानों में। तो ऑल टुगेदर जो फीलिंग है ना वो बड़े मज़े की है, और साथ साथ वॉक तो हो ही रही है। और आप देख सकते हैं अभी भी जो है ना सूरज का कोई भी नामो निशान नहीं है, ऊपर तक आप देखें तो सारा जाना ही फॉग ही फॉग है। और अभी ट्रैक भी जा रहे हैं, अभी अगर मैं थोड़े और पहले आता तो मुझे लगता है और ही फॉग होनी थी, क्योंकि आज काफ़ी ज़्यादा है। और लाहौर में तो भाई ऐसे ही है, विंटर भी आते हैं तो मज़े के आते हैं, 2 महीने हमें मिलते हैं लेकिन अच्छे मिलते हैं। अब ये देखें एक्सरसाइज के लिए, तो ये था आज एक वॉक के साथ का व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये व्लॉग जो है वो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें। थैंक यू।